नमस्कार, उर्मिस कुकिंग एंड ब्लॉगिंग चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए डेली रूटीन के काम शुरू करते हैं। सारा बर्तन वर्तन रात को ही हम लोग धो दिए थे। खाना वाना ख़त्म करते ही मेरी बेटियां सब धो ली थी और बस झाड़ू उड़ू करना बाकी है। चलिए पहले बर्तन को रख लेते हैं, उसके बाद करेंगे झाड़ू। सुबह का तो बहुत ज़्यादा काम रहता है। चलो माही ब्लॉग बनाएगी तो बहुत सबर करेगी, तो कैसे करती है देखते हैं। चलिए गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरी मम्मी अभी सुबह का काम कर रही है। मेरी मम्मी आप सुबह का काम करिए, आप भी करना है ऐसा काम। हाँ, नहीं तो घर घर का सारा काम बिखरा पड़ा है। हाँ, अच्छे से करना। नीमा दीदी दीदी लोग काम भी करते हैं मेरी मम्मी का, और मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी काम करूंगी मम्मी की तरह, और मम्मी के सारे बर्तन लूंगी। और मम्मी का तबीयत खराब होता है खाली, और मैं करूंगी इसीलिए सब घर का सारा काम। और ये देखो मम्मी झाड़ू लगा रही है, आप भी ऐसे झाड़ू लगाना। पूरा घर बहुत चींटी है। सभी तरफ चींटी बाहर निकल रहे हैं, है ना? हाँ, हम लोग सभी तरफ लक्ष्मण रेखा डाले हैं। हाँ, है ना? हाँ, लकीर डाले हैं सभी तरफ, चींटी निकल रही थी। क्योंकि चींटी नहीं आ सकते हैं। हाँ, तो बड़ी हो जाएगी तो खाना बनाना है बेटा मेरे लिए। हाँ, पापा के लिए, और मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ बेटा, थैंक यू। वेलकम गाइस। लोग आप भी ऐसे पूरा घर को साफ करना, अगर आप घर को साफ नहीं करेंगे ना तो चींटी हमारे बेडरूम में आ जाएंगी। हाँ, हमारे बेड में चींटी आ जाते हैं ना। हाँ, खाना गिराती है तू बेड में, खाती है तो। हाँ, सभी तरफ अच्छे से साफ करना। और खाते हैं वो लोग, मैं गिरा देती हूँ तो आप भी ऐसे मत गिराना कुछ चीज लोग। और चलिए झाड़ू पोछा खत्म होने के बाद मैं थोड़ा सा में आ गई हूँ। बहुत सारी साफ सब्जियाँ आई हैं खरीदवाने के लिए, और हमारे सामने में ही इस तरह से ठेले वेले लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा साफ सब्जी आ रहा है, और देखिए आने लगे हैं, अभी अच्छे से आए नहीं हैं। देखिए इधर लग रहे हैं, लग चुके हैं कहिए, इधर भी अब लग जाएंगे, लगा रहे हैं ठेले। और सब कुछ मिल जा रहा है सामने में ही, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। जहाँ पर हट लगता है ना, हटरी और हाट, वहीं पर अभी बंद किए हुए हैं, तो इधर ही बस्ती के अंदर ही साग सब्जी बेच रहे हैं। बहुत सुविधा भी मिल जा रहा है अभी, पर मना कर रहे हैं कल परसों से शायद और नहीं लगेगा यहाँ पर ठेला, इसलिए सोची वीडियो कर देती हूँ। कल से शायद बंद हो जाए तो वीडियो कर दी हूँ मैं। थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा था जो बेच रहे थे सब कुछ, और खुद बेच रहे हैं, बोल रहे हैं ये पैरा पुटू, ये पैरा पुटू बोल रहे हैं, तो हम लोग घर से हंस रहे थे कि पैरा पुटू ले लो, नहीं बोलते हैं ए पैरा पुटू, ए पैरा पुटू बोलते हैं, तो हम लोग बहुत हंस रहे थे एक दिन सोचकर। और आप लोग ट्रेन में गए होंगे तो ट्रेन में भी अजीब अजीब तरह की आवाज़ें करके बेचते हैं, जैसे मुर्गा फ्राई बेचते हैं, उसमें कुछ कुछ बनाकर मुड़ी मसाला, तो वो लोग ए मुड़ी बोलते हैं कि मुड़ी मसाला ले लो, मुड़ी मसाला ले लो, नहीं बोलते हैं। और उधर जाओ तरफ एक केला ले लो, नहीं बोलते हैं, एक केड़ा बोलते हैं, अजीब तरह के चिल्लाते हैं। और वो सुनकर ना सब बहुत हंसी आता है मेरे को, अजीब अजीब प्रकार के चिल्लाना और बेचते हैं, तो यहाँ भी उसी तरह का कर रहे हैं, तो हम लोग सुनकर हंसते हैं। हमारे घर से आवाज़ आता है उधर का। और देखिए हमारी नीमा केक बनाने आ गई, माही को मन कर रहा है आज केक खाने का, तो घर में जैसे बना सके आप सिंपल तरीके से उसी तरह से आज बनेगा केक। देखिए बटर नहीं डाली है, सबके पास बटर नहीं होता है, और ये है दही जमाई थी खुद, तो तेल डाली है 3 टेबल स्पून, और दही डाल रही है। आप आपके पास दूध है तो आप दूध को भी विनेगर या नींबू डालकर फोड़ लें और उसमें डालें, फटने दें,
विनेगर है तो डालें या तो नींबू भी डाल दें, और ऑयल और दही हो गया, और इसमें डालेगी शक्कर, आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डालकर घोल सकते हैं। सबके पास ग्राइंडर नहीं होता है, इसलिए घर में जैसे बनेगा आसान तरीके से उसी तरह से बन रहा है केक, देखिए आप भी बना सकते हैं। और अच्छे से इसको फेंट लेना है ताकि शक्कर, दही और जो ऑयल है अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद फिर डालेंगे इसमें हम लोग मैदा और सोडा, आपके पास ब्लेंडर है तो ब्लेंड भी कर सकते हैं और पेंट भी सकते हैं। घर के तरीके बता रहे हैं तो हम लोग ब्लेंडर नहीं चला रहे हैं और हाथों से कर फेंट रही है नीमा, और हमारे नीमा को बहुत अच्छी तरह से केक बनाना आता है। और देखिए इसमें जो मैदा है उसको छान कर डालेगी ताकि गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं, छलनी में छान लेने से थोड़ा ठीक रहता है। और देखिए चम्मच में इसको थोड़ा थोड़ा चला लेंगे, और ये डाल रही है कोको पाउडर, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, डालेगी वेनिला एसेंस तो आपके पास है तो डालें, ये सब ऑप्शनल है। वेनिला एसेंस, कोको पाउडर, बस मैं एक दिन आपको बताऊंगी 10 रुपये के पार्ले जी बिस्कुट में कैसे बनता है केक, सिर्फ 10 रुपये में आप केक बना लेंगे। और ऑनलाइन मंगाई थी कोको पाउडर, तो कोको पाउडर को देख कर ना माही को खाने का मन किया, केक तो केक बना दे रही है, कब बनाएगी कर रही थी ये केक, तो ऐसे ही केक बना दे रही है माही के लिए। और चलिए इसको देखिए छान ले रही है, और थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग जो इन्वर्टर लाए हैं ना कुछ हो गया है शायद, उसमें कुछ गलत जोड़ दिए थे या कुछ हो गया था तो उसका प्रॉब्लम आ गया है, लाइन अप डाउन हो रहा है, लाइट की वजह से अच्छे से वीडियो नहीं बन रहा था, तो हम लोग इन्वर्टर मंगाए हैं तो वो भी नहीं बन रहा है, तो चलिए ऐसे ही लाइन में वीडियो करते हैं। और ये है देखिए, ये दूध उबाल कर रखा है, हमेशा केक में उबला हुआ दूध ही डालें, उबाल कर थोड़ा ठंडा करके, तो उबाल कर रखिए ये दूध इसमें डालने के लिए। तो देखिए जो शक्कर, ऑयल और दही को फेंटी थी उसमें डाल दी है कोको पाउडर और मैदा को, और इसमें डालेगी दूध और मिक्स करेगी, मिलाते हुए उसको दूध डालना है, बैटर को ज़्यादा ढीला भी नहीं करना है या ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, मीडियम रखना है, तो थोड़ा थोड़ा डालते हुए उसमें मिलाती जाएगी। बिना दूध के थोड़ा अच्छा नहीं बनता है। और देखिए मिक्स करती जा रही है उसको, जितना ज़रूरत है इसमें दूध ही डालेगी, पानी नहीं डालना है। और आपके पास अगर दूध नहीं है तो आप पानी भी डालें, पर दूध वाला केक अच्छा बनता है, पानी वाला उतना अच्छा नहीं रहता है। देखिए बन गया, थिकनेस इतना ही रखना है तभी केक अच्छा फूलेगा और अच्छा तैयार होगा। और इसमें डालेंगे 3-4 बूंद वेनिला एसेंस, ऑप्शनल है, आप ना भी डालें तो कुछ नहीं होगा, बस ये फ्लेवर के लिए डलता है। और उसके बाद डालेंगे कतरी, वो भी ज़रूरी नहीं है, शो के लिए डलता है, एक एक टोक मुँह में आता है, केक खाते वक्त तो अच्छा लगता है, और माही का पसंद था, आप ना भी डालें ये कतरी तो भी चलेगा, इसको टूटी फूटी बोलते हैं हम लोग, इसको पपीता भी बोलते हैं, और ये पपीते से भी बनता है, हम लोग बना के दिखाए थे हमारे रेसिपी में एक बार,
मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग देखना, बहुत अच्छा बना था। हम लोग कलर डालकर पपीते से बनाए थे, टूटी फूटी, बहुत ही अच्छी बनी थी। और ये खरीद के लाए हैं पैकेट इसके पापा, और अच्छे से मिला लेंगे ताकि टूटी फूटी सभी तरफ मिक्स हो जाए। अब इसमें पेपर डालकर हम लोग बनाएंगे, देखना मैं दिखाती हूँ कैसे बनाई है नीमा। और देखिए इसमें डल रहा है सोडा, छोटा सा चम्मच है और जो मसाले में डालने के लिए मिलता है स्टील का, तो उसमें 3 चम्मच खाने वाला सोडा डाले हैं हम लोग। और आपके पास हो तो इनो डालें या तो बेकिंग पाउडर डालें, और कुछ भी नहीं है तो खाने वाला सोडा डाल दें। तो छोटे चम्मच में, चाय चम्मच से भी छोटा वाला चम्मच है, उसमें 3 चम्मच डाली है इतना में। और देखिए ये है केक टिन, आपके पास अगर केक टिन नहीं है तो आप टिफिन से या कटोरी से भी बना सकते हैं। देखिए केक टिन में अच्छे से सभी तरफ ऑयल लगा लेगी, और ऐसे ही डाल सकते हैं। और पेपर डालने से ना अच्छा निकल आता है केक। पहले तो हम लोग ऐसे ही बनाते थे, पर पेपर है आपके पास तो एक तो पेपर डाल दें काट कर उसके साइज का, तो इजीली निकल आता है केक केक टिन से। अब जो जिसमें भी बना रहे हैं कटोरी या टिफिन या केक टिन, तो पेपर डाल दें। देखिए उसके साइज का माप पर काट दे रही है ताकि नीचे अच्छे से जम जाए पेपर। और बड़ा वाला डालेंगे तो केक सुंदर नहीं बनेगा, निकालते वक्त सो नहीं दिखेगा, इसलिए साइज से काट कर लगा दे रही हैं। देखिए और उसके साइज के पेपर को अंदर डाल देगी, उसमें फिर से ऑयल डालेगी। पेपर के ऊपर में भी ऑयल डालना है। देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया तो निकाल दे रही है, नहीं तो केक का सुंदरता ख़राब हो जाएगा। पेपर अगर ऊपर आ गया तो सही सही नीचे बैठना चाहिए पेपर, तभी आपको केक देखने में अच्छा लगेगा। देखिए नीचे पूरा साइज से जम गया, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। देखिए बोरा तैयार हो गया, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाने से चिपकेगा नहीं, पेपर भी इजीली निकल आएगा, इसलिए इसके ऊपर ऑयल लगाते हैं। तैयार हो गया हमारा टिन केक बनाने के लिए। देखिए सभी तरफ अच्छे से हाथों से भी ऑयल के लगा ले रही है, और इसमें डालेंगे अब बैटर को। अच्छे से मिक्स हो गया, और थोड़ा सा हिला लेंगे, सारा बैटर इसमें डाल देंगे। आपके घर में बर्थडे वर्थडे हो रहा है तो आप घर में भी बनाकर बर्थडे मना सकते हैं बच्चों का, बहुत रेट में मिलते हैं बाहर में केक। आप अच्छे से क्रीम मंगाकर सजा भी सकते हैं, पर हम लोग सिंपल ही बनाकर दिखाएंगे। आप चाहें तो उसमें क्रीम मंगाकर फूल वूल बना सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। और देखिए इसके ऊपर में और थोड़ा सा टूटी फूटी डाल दे रही है। सभी तरफ लगा लेने के बाद अब तैयार करेंगे बनाने के लिए। देखिए कढ़ाई ले आई है, इसमें डालेगी नमक और एक स्टैंड। और देखिए नमक गर्म हो जाने के बाद फिर बैटर वाला टिन को डाल दी है, और उसमें ढक दिया ढक्कन, अच्छे से ढक दें ताकि गैस इधर उधर ना जाए। और देखिए 40 से 45 मिनट के बाद केक हमारा अच्छे से पक गया। बीच में उसको बार बार ढक्कन खोले नहीं, खोलने से अच्छे से केक पकता नहीं, जम जाता है, फूलने नहीं पाता है। और देखिए केक कितना अच्छे से फूला है और पूरा तैयार हो गया। चॉकलेट वाला केक है, कोको पाउडर वाला, इसलिए ब्लैक लग रहा है। आप ब्लैक वाला नहीं पसंद करते हैं तो मत डालें, कोको पाउडर ऑप्शनल है, बोली थी मैं। और देखिए लाइट का प्रॉब्लम है तो कैसे हो रहा है लाइट। इधर माही केक खाने के लिए तैयार हो गई है, और केक ठंडा होने के बाद देखिए केक टिन से पूरा केक निकल आया है अच्छे से। और ये पेपर देखिए, पेपर भी अच्छे से निकल गया, इसलिए दोनों तरफ ऑयल डाले थे पेपर में, अच्छे से निकल जाएगा करके। और पूरा अच्छा बना था केक, देखिए चौकोन वाला टिन है तो पूरा चौकोन बना था। और ये देखिए कितना सुंदर स्पंजी और सुंदर स्वादिष्ट केक बनकर तैयार है, बहुत ही इजी तरीके से, और घर के ही चीज़ों से आप बना सकते हैं। देखो
कितना सुंदर बन गया केक, चॉकलेट केक बहुत ही अच्छी बनी थी और बहुत अच्छी लग रही थी। तो चलिए माही पहले चखेगी, माही केक खाने के लिए पूरा तरस गई है, जल्दी बनाओ करके। चलो हम लोग केक खाते हैं, आप लोग भी बनाकर खाना। वीडियो की यहीं रखती हूँ, नए नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नाश्ता भी आ गया हम लोगों का, चलिए करते हैं।